आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 7 वर्क फ्रॉम होम के बारे में, 7 ऐसे वर्क के बारे में, ऐसे 7 ऐसे काम के बारे में जो आप घर बैठे कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। इसको आप बिजनेस कह लो, जॉब कह लो या फ्रीलांसिंग कह लो, ये ऐसी चीज़ है जिसमें ना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, ना आपको ज़्यादा पैसा लगाना नहीं है, ना ज़्यादा रिस्क है, ना कोई पैसे की लिमिट है, ना कोई आपको बहुत ज़्यादा आइडिया चाहिए। तो ये 7 काम आप अपने घर बैठे कर सकते हो बिना किसी ज़्यादा लागत। और इसमें ना ज़्यादा आपको हायर एजुकेशन चाहिए, आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो, आपको थोड़े स्किल चाहिए, थोड़े एजुकेशन चाहिए, थोड़ी नॉलेज चाहिए। और ये सारी चीज़ें आप इंटरनेट पर घर बैठे सीख सकते हो, फिर उसे कर सकते हो और उसको करके आप पैसा कमा सकते हो। अगर आपने ये काम चालू कर दिया और आप सो भी रहे हो तो आप पैसे कमा रहे हो। तो ऐसी कोई लिमिट नहीं है, टाइम लिमिट नहीं है, पैसे की कोई लिमिट नहीं है। पैसा ही पैसा होगा अगर इनमें से 7 काम आप करते हो तो वीडियो को पूरा देखना। और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाल वाले बटन को जरूर दबा देना, बेल आइकन को जरूर दबाना। बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब लेकिन बेल आइकन नहीं दबाई है, तो बेल आइकन जरूर दबाना, सब्सक्राइब जरूर दबाना। तो नंबर 1 वर्क है एफिलिएट मार्केटिंग। अभी एफिलिएट मार्केटिंग क्या है इसको समझते हैं। आपने बहुत सुना होगा अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग, अजियो एफिलिएट मार्केटिंग, फ्लिपकार्ट एफिलिएट मार्केटिंग। अगर मोटा मोटा मैं बताऊं कि ये है क्या चीज, तो आपको करना क्या है, जो अमेजोन पे प्रोडक्ट है वो कोई और बेच रहा है, कोई और खरीद रहा है। जैसे कि हम लोग कंज्यूमर है, कस्टमर है, तो हम अमेजोन पे जाके बाय करते हैं। अब उसको अमेजोन नहीं बेच रहा, उसको कोई पीछे का सेलर बेच रहा है, पीछे जो बैठा दुकानदार बेच रहा है अमेजोन के थ्रू। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर मैं अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग की बात करूं, अमेजोन की साइट पे जाते हो, उसके फुटर में जाते हो डाउन में, तो वहां पे एफिलिएट मार्केटिंग एफिलिएट करके है, जहां पे आपको सिर्फ अपना अकाउंट बनाना है, कुछ बेसिक डिटेल देनी है, अपना बैंक अकाउंट डिटेल देना है। तो वहां पे आपको एक पोर्टल मिल जाएगा आपको काम करने के लिए। आपको सिर्फ करना क्या, दूसरों के प्रोडक्ट लेके उसमें अपने पोर्टल में जाके उस प्रोडक्ट का लिंक जनरेट करके आपको शेयर करना है अपने सोशल मीडिया पे, अपने ब्लॉगर साइट्स पे, आप अपने पूरे सोशल मीडिया हैंडल पे उसको शेयर कर सकते हो। अगर आपके पास अच्छी ऑडियंस है, अगर आप प्रोडक्ट बेच सकते हो, तो लिंक के जरिए सिर्फ आपको शेयर करना है। वो लिंक जनरेट करने के बाद अपने पोर्टल पे लिंक जनरेट करोगे आप, जो भी आपके शेयर करके जो लिंक पे जाएगा कस्टमर जाएगा और उसको परचेज करेगा, कुछ हिस्सा, कुछ कमीशन आपको, कुछ परसेंटेज अमेजोन आपको देगा। वो प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। मान के चलिए आपने कोई 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचा है लिंक के जरिए, शेयर करने के जरिए, और 100 रुपए का है और उस पर आपको 5% मिलना है, तो 5 रुपए आपके होंगे। ये सुनने में बड़ा छोटा लग रहा है, यार मैं 5-5 रुपए करूंगा क्या, मैं इतना शेयर करूंगा और 5-5 रुपए कमाऊंगा क्या। लेकिन इस चीज से लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं महीने का, इस एफिलिएट मार्केटिंग से लाखों रुपए कमा रहे हैं। आप गूगल करिए, आप यूट्यूब पे देखिए, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पूरा सीखिए और उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, वो डिटेल में मैंने एक वीडियो भी बनाई है, चाहे आप उसको देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके, और एफिलिएट मार्केटिंग वाली वीडियो देख सकते हैं, और भी आप बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं जो इस लाइन में, इस पर्टिकुलर फील्ड में, एफिलिएट मार्केटिंग की फील्ड में एक्सपर्ट हैं, जो खुद लाखों रुपए कमा रहे हैं और आपको गाइड भी कर रहे हैं यूट्यूब पे। ऐसे भी बहुत लोग हैं कि भी वीडियो आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे मैं ग्रो कर सकता हूं, सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, और कैसे मैं किस तरीके से उस प्रोडक्ट को शेयर करूं जो कि और मेरे को कमीशन मिले। तो एफिलिएट मार्केटिंग दूसरों के प्रोडक्ट को शेयर कर कमीशन कमाना है, बिना किसी रिस्क के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट। अगर आपकी साइट आपकी ब्लॉगिंग साइट है तो उसमें बहुत सारी चीजें आप डाल सकते हो, एफिलिएट प्रोडक्ट आप उसमें डाल सकते हो। और इसकी सिर्फ इतनी लिमिट नहीं है, आपके पास बहुत सारे जरिए हैं, उसको आप फुल डिटेल में पढ़ सकते हो, ऑनलाइन सीख सकते हो कि कैसे अपना बिजनेस एफिलिएट मार्केटिंग में ग्रो कर सकते हैं। वहीं दूसरा वर्क है ऑनलाइन फोटो सेल। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हो, आप फोटो खींचना पसंद करते हो या खिंचवाना पसंद करते हो, तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जाके अपनी फोटो जो आपने क्लिक कर रखी है किसी भी चीज़ की, वो सेल कर सकते हैं ऑनलाइन, और उन वेबसाइट पे आपकी खींची हुई फोटो बिकेगी तो आपको एक कमीशन मिलेगा। इसमें सिर्फ करना है क्या, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फोटो अपनी देनी है, क्वालिटी के लिए वो चेक होंगी, उनका जो प्रोसीजर है अलग अलग साइट्स का, ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं। इस टॉपिक पे भी मैंने वीडियो बनाई है, हाउ टू सेल इमेजेस फोटोज करके, आप उसको देख सकते। उसमें भी मैंने 10 ऐसी वेबसाइट्स के बारे में बात करा है जहाँ पे आपको इतना कमीशन मिलेगा, और कैसे वहाँ क्वालिटी चेक होगी आपके फोटो की, क्या क्या ध्यान देना, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, तो चैनल पे आप जाके देख सकते हो। इस चीज को शुरू करने के लिए सिर्फ आपकी स्किल की जरूरत है और किसी चीज के लिए जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचे कि मेरे को बहुत ज्यादा महंगा DSLR, बहुत ज्यादा महंगा कैमरा खरीदना पड़ेगा। आप फोन से फोटो खींच के एक छोटी सी हल्की सी एडिटिंग, कलर करेक्शन करके भी उस फोटो को सेल कर सकते हैं। ये सारी चीज आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड है कि आपकी कितनी क्रिएटिविटी है, आपकी स्किल कितनी अच्छी है फोटोग्राफी में। आप छोटे से सेटअप बना के भी अपने घर में फोटो खींच सकते हैं प्रॉपर लाइटिंग से, और ये सब आप फोटोग्राफी के बारे में ऑनलाइन बहुत ज्यादा सीख सकते हो। एडिटिंग के बारे में, फोटो कैसे खींचे, लाइटिंग के बारे में, सेटअप कैसे बनाए कम जगह में, कम इन्वेस्टमेंट में, और ऐसी 10 क्या अनलिमिटेड वेबसाइट्स हैं जहां आप अपनी फोटो
बेच सकते हो। और ये सब आप हैंडल कर सकते हो सिर्फ अपने फोन पे फोटो खींची, फोन पे एडिटिंग करी, फोन पे ही फोटो अपलोड कर दी, क्योंकि इन वेबसाइट्स की खुद की ऐप भी है। तो इन सब चीजों से आपका काम और इजी हो जाए। तीसरा वर्क है ब्लॉगर एंड वेबसाइट। ब्लॉगर बन सकते हो, ब्लॉगिंग कर सकते हो। ब्लॉगिंग क्या होता है, जैसे कि हम गूगल पे सर्च मारते हैं पांच ऐसे सबसे बड़ी बिल्डिंग, पांच ऐसे बड़े बिजनेस, पांच ऐसी हेल्थ रूटीन या पांच ऐसी हैबिट्स, उसके बारे में जो लोगों ने लिखा होता है, वेबसाइट वालों ने लिखा होता है, ब्लॉगर्स ने लिखा होता है अपने ब्लॉग में, उस राइटिंग को जो पूरा लिखा होता है उसको ब्लॉग कहते हैं। ब्लॉग वो पूरी साइट से उसमें रिसर्च करके लोगों ने डाला होता है। और ये घर बैठे कर सकते हो, आप अपनी साइट्स बना सकते हो, अपनी ब्लॉगिंग साइट्स बना सकते हो, ब्लॉगिंग साइट्स बना सकते हो एजुकेशन को लेके, टेक को लेके, हेल्थ को लेके, ब्यूटी को लेके, साइकोलॉजी को लेके, किसी भी टॉपिक को लेके, बहुत ही ज़्यादा ब्लॉगिंग के टॉपिक है वो आप बना सकते हो। इसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट है आपकी, 10-15 हज़ार में ब्लॉगिंग वेबसाइट शुरुआत में लगेंगे, स्टार्टिंग में डोमेन में, होस्टिंग में, और थोड़े से टूल खरीदने में आपको लगेंगे। आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आप डेली पोस्ट करेंगे अपने सोशल मीडिया पे अपनी साइट के बारे में। जब आप ये सारी पोस्ट डालेंगे तो गूगल एडसेंस के जरिए, जो उसमें ब्लॉग में बीच बीच में आपने देखे होंगे ऐड आती है, तो वो ऐड अपने ब्लॉग में आपको लगाने होंगे गूगल एडसेंस के द्वारा। तो वहां से आप पैसे कमा सकते हो, मतलब आपने वेबसाइट बनाई गूगल एडसेंस के द्वारा, वहां पे अपने कंटेंट में, अपने टॉपिक में बीच बीच में कहीं ऐड लगाई तो लोग वहां पे आ रहे हैं, तो वहां पे उस ऐड पे क्लिक भी कर रहे हैं, तो वहां से आपका रेवेन्यू, आपकी कमाई स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ब्लॉगिंग करके अपने घर बैठ के ही कमा रहे हैं, बहुत ज्यादा अनलिमिटेड लाखों से भी ऊपर कमा रहे हैं वो। लेकिन आपको ये ध्यान देना, अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आपको इस पर पूरी नॉलेज लेनी पड़ेगी, और ये नॉलेज पूरी ऑनलाइन आपको मिल सकती है, लेकिन इसको टाइम देना पड़ेगा, टाइम टू टाइम, कैसे ट्रैफिक जनरेट करें, कैसे आप अपने कंटेंट डालें, कैसे अपनी वेबसाइट को वायरस से बचाएं, फ्रॉड से बचाएं, सिक्योरिटी को लेके, स्पीड को लेके, ट्रैफिक को लेके, मार्केटिंग को लेके, आपको बिल्कुल एक बिजनेसमैन की तरह सोचना पड़ेगा, उसकी तरह काम करना पड़ेगा। और इन सब चीज को बनाने के लिए, टूल बनाने के लिए सर्विस आप ले सकते हो, डेवलपर की मदद ले सकते हो, ऑनलाइन भी ले सकते हो, बस फ्रॉड से बचे रहना, क्योंकि हर फील्ड में फ्रॉडबाजी भी होती है। तो ये कहना है, अगर आप ये चीज चालू कर रहे हो तो इसके बारे में पूरी अच्छे से नॉलेज लेके चालू करना, और ऐसा नहीं कि आपने नॉलेज ले ली और आपने चालू कर दिया आप फिर सीख नहीं रहे हो, आपको हर दिन कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। और मेन, सबसे जो मेन काम है आपका कंटेंट, कि आपका कंटेंट रेगुलर आ रहा है और कैसा कंटेंट आपका है, तो झूठ तो आप फैला नहीं रहे, इन सब चीजों का ध्यान देके आपको काम करना है। और चौथा पॉइंट है ई कॉमर्स स्टोर या ई कॉमर्स बिजनेस। आप अपना ई कॉमर्स स्टोर भी खोल सकते हो या ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, अजियो, स्नैपडील, इन सब के साथ। मतलब कहने का ये मतलब है कि अमेजोन फ्लिपकार्ट की तरह अपना भी स्टोर खोल लो, या इन लोगों के साथ टाई अप करके इनके सेलर बन जाओ और इनके थ्रू माल बेचो, तो ये दोनों आप काम कर सकते हैं, और ये दोनों घर बैठे काम हो सकता है, या एक छोटे सेटअप के साथ भी हो सकता है। ई कॉमर्स का मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा था, वो घर से ही स्टार्ट किया था। ई कॉमर्स पे काम कैसे करेंगे, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील पे आपको कोई प्रोडक्ट अपना खुद बेचना है तो आप सेलर बन सकते हो इनके, ऑनलाइन आप जाके इस पे सेलर बन सकते हो, ये कुछ कमीशन आपसे लेंगे, लॉजिस्टिक का कुछ अमाउंट लेंगे और आपका प्रोडक्ट बेचेंगे। जब आपका प्रोडक्ट बिकेगा जब ये कमीशन लेंगे, ना तो नहीं लेंगे, कोई ऐसा रेंटल नहीं है कि इनको हर महीने आपको पैसे देने, आपका माल बिका तो ये कमीशन लेंगे, आपका माल नहीं बिका तो आपका कमीशन नहीं लेंगे। लेकिन इनमें भी बहुत सारे कंडीशन होती है कि आपका लॉजिस्टिक गया है तो लॉजिस्टिक वो रिटर्न आ रहा है, कस्टमर रिटर्न आ रहा है, तो वहाँ पे आपको पेनल्टी लगती है, आपको लॉजिस्टिक भरना पड़ता है, वो सारी चीज़ें इनमें होती है। बहुत सारे पोर्टल में रिटर्न बहुत ज़्यादा आते हैं, रिटर्न रेशियो बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी कंपनियाँ फिक्स अमाउंट लेती है, कोई रिटर्न पोस्ट आपसे लेती नहीं है, फिक्स्ड अमाउंट लेती है, फिर माल बिका तो ठीक है हम इतना कमीशन लेंगे, माल नहीं बिका तो आपसे कोई कमीशन या रिटर्न चार्ज नहीं लेंगे, लेकिन इनके कमीशन ज़्यादा होते हैं औरों से। तो अगर आपका कोई प्रोडक्ट है गारमेंट को लेके, होम फर्निशिंग को लेके, टॉयज़ को लेके, हेल्थ एंड ब्यूटी को लेके, तो आप ऑनलाइन बेच सकते हो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अजियो, टाटा क्लिक, इन सब कंपनियों में। और अब बात आती है इन जैसा स्टोर हम कैसे खोलें, अपनी कंपनी कैसे खोलें, अपना ऑनलाइन स्टोर कैसे खोलें। तो मोटी बात बताऊं, एक शॉपिफाई वेबसाइट है, वहां पे जाके वो खुद आपका एक स्टोर बनवाती है अपनी होस्टिंग देके, वहां पे वो कुछ चार्ज लेते हैं तो आपका ऑनलाइन पोर्टल स्टोर खुल जाएगा। ऐसे बहुत सारी और भी कंपनियां हैं लेकिन शॉपिफाई मेरे हिसाब से बेस्ट है और सस्ती भी है। लेकिन इस एरिया में अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो इनके थ्रू बेच रहे हो या अपना स्टोर खोल रहे हो। वैसे इजीली आप क्या कहते हैं, इनके थ्रू अगर बेच रहे हो तो इजीली आप उसमें बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सेलर कैसे बने, ई कॉमर्स बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाई है। इस टॉपिक पे भी आप देख सकते हो कि जीएसटी कैसे लेना है, ट्रेडमार्क कैसे लेना है, और क्या क्या रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, कमीशन के बारे में, और बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने अपने एक्सपीरियंस से उसमें दी है वीडियो में, तो आप वीडियो को जाके देख सकते हो। वही पांचवा पॉइंट आता है फोटो और वीडियो एडिटर या लोगो मेकर। आप फ्रीलांसिंग काम स्टार्ट कर सकते हो घर बैठे,
एक पीसी के जरिए आप फोटो एडिटर बन सकते हो, आप प्रोडक्ट शूट की एडिटिंग कर सकते हो या वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, वेडिंग वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, अपने शहर से आप काम पकड़ सकते हो, आप ऑनलाइन काम भी पकड़ सकते हो, आप ऑफलाइन काम भी पकड़ सकते हो, अपने लोकल शहर में जाके आप वीडियो एडिटर का काम कर सकते हो, अपने घर बैठे वहां से काम लेके आप वीडियो एडिटिंग करके उनको देख सकते हो, चाहे वो वेडिंग की हो या किसी कंटेंट की हो या किसी कॉर्पोरेट की हो। पर हावर के हिसाब से आप चार्ज ले सकते हो जितने घंटे का आपने काम बनाकर उनको दिया। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट हो या आपको ये काम आता हो तब ये करना, या इंटरेस्ट है लेकिन काम आता नहीं तो सीख के करना, किसी पे जाके किसी से सीख कर करना, सीख कर फिर अपना सेटअप घर पे लगाकर आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, घर पे बैठ के कर सकते हो बाद में। लेकिन सीखने के लिए पहले आपको जाना पड़ेगा जो पहले से इस फील्ड में काम कर रहे हैं और शायद वो आपको सीखने का पैसा ना दे। तो स्टार्टिंग में आपको सीखना पड़ेगा, फिर अपना सेटअप लगा के आपको खुद काम करना पड़ेगा, लोगों को काम देना पड़ेगा, आपको अपने शहर में लोकल जुड़ना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन नहीं कर रहे हो, ऑनलाइन भी काम बहुत ज्यादा मिलता है, बट ढूंढना आना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हो तो अपने ऑफलाइन अपने शहर में जाके काम पकड़ के कर सकते हो अपने घर बैठ। और वहीं मैंने लोगो मेकर का भी बताया, आप ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे पेज बना सकते हो। मैंने बहुत सारे ऐसे पेज देखे हैं जो लोगो बनाते हैं, आपसे चार्ज लेके ऑनलाइन चार्ज लेते हैं, ऑनलाइन फीस लेते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ऐसी सर्विस भी आप कर सकते हो, आप लोगो बना सकते हो फोटोशॉप में जाके। अगर आप में हुनर है या आप में इंटरेस्ट है इस चीज का तो आप लोगो मेकर भी बन सकते हो ऑनलाइन, ऐसी सर्विस आप दे सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, आप अगर आप लोगो बना के किसी को दे रहे हो तो कॉपीराइट किसी और का ना हो, ऐसा ना हो कि वो आपने कॉपी पेस्ट करके दे दिया या बिल्कुल मिलता जुलता दे दिया। ये काम वैसे उन लोगों के लिए जो क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं या क्रिएटिव फील्ड में उनका इंटरेस्ट है। और छठा वर्क फ्रॉम होम है सोशल मीडिया मैनेजर। सोशल मीडिया मैनेजर होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। और ये एक नई फील्ड है जो बड़ी तेजी से ग्रो हो रही है, लोगों को चाहिए। बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो अपना सोशल मीडिया अकाउंट खुद हैंडल नहीं करती, मतलब वो खुद यूज नहीं करती, खुद फोटो अपलोड नहीं करती, खुद वीडियो अपलोड नहीं करती और उनके कीवर्ड्स उनके हैशटैग खुद नहीं डालती, उन्होंने ऑनलाइन सोशल मीडिया मैनेजर हायर कर रखा है। तो आप सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हो। सोशल मीडिया मैनेजर का काम क्या होता है, जो आपने कंपनी पकड़ रखी हो, अगर आप फ्रीलांसिंग के जरिए से देखें तो आपने कंपनी पकड़ रखी हो, तो उनकी पोस्ट अपलोड करना, हैशटैग अपलोड करना, उनकी वीडियो अपलोड करना टाइम टू टाइम जिस टाइम ट्रैफिक ज्यादा हो। तो इसमें पूरी आपको नॉलेज भी होनी चाहिए कि कौन सा कीवर्ड कौन सा हैशटैग काम आएगा उस रिलेटेड पोस्ट पे। मोटा काम ये है कि आपको फोटो अपलोड करनी, वीडियो अपलोड करना है, कंटेंट अपलोड करना है सोशल मीडिया पे, उनके पेज पे, उनकी कंपनी के पेज पे, और ट्रैफिक ला के देना, फॉलोवर ला के देना, सब्सक्राइबर ला के देना, लाइक्स ला के देना, तो वो सोशल मीडिया मैनेजर का काम होता है। और जैसे जैसे डिजिटल मार्केटिंग बड़ी होती चली जा रही है, इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, बहुत ज्यादा तादाद में सोशल मीडिया मैनेजर हायर हो रहे हैं। तो ये नई फील्ड है, आप चूज कर सकते हो, अभी आप काम कर सकते हो, इसको सीख सकते हो, किसी कंपनी में ज्वाइन भी कर सकते हो आप जहाँ पे सोशल मीडिया मैनेजर बहुत सारे हायर कर रखे हो। अगर आपको फ्रीलांसिंग से पहले काम सीखना हो या आपको फ्रीलांसिंग नहीं करनी, सिर्फ आपको सोशल मीडिया मैनेजर बनना है, तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो सोशल मीडिया मैनेजर हायर करती हैं और बहुत सारी कंपनियों के पोस्ट उनके फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, सोशल मीडिया पेज को हैंडल करती है। तो एक नई फील्ड है जो बहुत ज्यादा ग्रो हो रही है। तो अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो आप ये काम स्टार्ट कर सकते हो। और ये काम पूरी तरीके से वर्क फ्रॉम होम भी है, कंपनियां वर्क फ्रॉम होम करवा रही हैं। और सातवा और आखिरी वर्क फ्रॉम होम है यूट्यूब और सोशल मीडिया। आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हो, सबने सुना है, ये भी एक वर्क फ्रॉम होम है। छोटे से सेटअप में, छोटी सी लाइट में, के कैमरे के आगे आप नॉलेज दे सकते, एजुकेशन दे सकते हो, रिव्यू दे सकते हो, जिस एरिया में आपका इंटरेस्ट हो, ब्यूटी टिप्स में, हेल्थ टिप्स में, एंटरटेनमेंट को लेके जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो आप यूट्यूब स्टार्ट कर सकते हो। ये बिल्कुल पूरा वर्क फ्रॉम होम ही है, आप घर बैठे कर सकते हो चीज को बिना ज्यादा इन्वेस्टमेंट के, ना ज्यादा हैवी कैमरे लेने, ना ज्यादा हैवी लाइट लेनी। उसी तरह यूट्यूब नहीं करना आपको तो आप इंस्टाग्राम कर सकते हो, फेसबुक कर सकते हो, इंस्टाग्राम रील कर सकते हो, और ऐसी बहुत सारी शॉर्ट वीडियो ऐप है उस पर भी ग्रो कर सकते हो। शॉर्ट वीडियो ऐप बड़ी वीडियो से, यूट्यूब वीडियो से ज्यादा उनको रीच मिलती है, या ये कहें कि वो वायरल होने में ज्यादा आगे रहती है। लेकिन अगर ये जब आप चालू करोगे तो आपको सच ही रहना है, आपको झूठ नहीं बोलना है, और ये याद रखना कि आप नेगेटिविटी मत फैलाएं, इस चीज का ध्यान रखें, किसी के इमोशन को हर्ट ना करें, इन सब चीजों के बारे में सोच के ही चालू करें, अपना कंटेंट अच्छा रखें और सबसे ज्यादा जरूरी सच्चा रखें। तो यही सात वर्क फ्रॉम होम थे। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर दबाना, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।